Hi students, welcome to checklist video of wave motion. Waves class 11th का last topic है. Different boards की बात करें तो कई boards के अंदर wave motion 12th में भी cover होता है, but अभी oscillations के साथ waves अपने आप में एक बहुत ही important section है. Waves के अलावा CBSE board के class 11th के almost सारे topics हम cover कर चुके हैं, और इस last topic में checklist थोड़ी बड़ी है क्योंकि कई तरह की variety के questions पूछे जाते हैं, जिसमें basics of wave motion से लेके interference, stationary waves, beats, Doppler's effect तक variety of कई तरह के questions आते हैं. Doppler's effect हो सकता है, यहाँ पे अगर time कम पड़ता है तो हम second checklist में लेंगे, लेकिन waves के major concept हम इसी checklist में cover करेंगे. So students stay tuned with that. और जैसा मैंने आपको बताया है, जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली एग्जाम देने वाले हैं वो इस चेकलिस्ट वीडियो को फाइनल रिवीजन की तरह से लें, और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी टाइम है आने वाले सालों में प्रिपेयर करेंगे और वो इस चेकलिस्ट वीडियो पे नए हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि ऑलरेडी चेकलिस्ट कैसे बनानी है. सैंपल वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं, इस वीडियो के बाद आप सैंपल चेकलिस्ट वीडियो देख लीजिए. हमने सजेस्ट किया था जो हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की जेई मेन की प्रीवियस 18 ईयर्स की सॉल्यूशन बुक है. इसमें अब तक के पिछले 18 सालों के सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर्स कंप्लीटली आप ये मान के चलिए कि कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे सॉल्व किए गए हैं. टॉपिक और सब टॉपिक लेवल पे डिवाइडेड हैं, जिनको आप एक एक करके अटेम्प्ट करें और अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाइए, और इस चेकलिस्ट वीडियो को एज अ फाइनल रिविजन शॉट रखिए, जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चन और आने वाले सालों में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो किन कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस गाइडेड चेकलिस्ट में कवर कर रहे हैं. तो आप अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट से इस चेकलिस्ट को मैप कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट फॉर वेव मोशन. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ वेव मोशन, किसी भी वेव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. आपको अगर कोई भी पॉइंट इन डेप्थ कवर करना है तो आप पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके डिटेल में सारी चीजें देख सकते हैं, और अगर एक बार पढ़ी हुई है तो X1.5 या X2.0 स्पीड पे कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखिए, या physicsgalaxy.com वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें कवर कीजिए. थॉरली आप सारी चीजों को बूस्टअप कर पाएंगे. सो आइए बात करते हैं बेसिक्स ऑफ वेव मोशन. किसी भी वेव की बात करते हैं तो वेव को हम कहते हैं एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो किसी भी मीडियम में गेट करता है. जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी वोकल कॉर्ड एयर में डिस्टरबेंस पैदा कर रही है, और वो डिस्टरबेंस एयर पार्टिकल्स के कॉलिजंस और प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीजें एक वेव में फ्लो करती है, क्योंकि पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से वो मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है, एनर्जी भी ट्रांसफर करता है. सो एनर्जी और मोमेंटम दोनों मीडियम में फ्लो करते हैं और आपके ईयर तक ये आवाज इन फॉर्म ऑफ साउंड वेव पहुंचती है. सो वेव मोशन इज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू मीडियम. इस चीज को आप ध्यान में रखें, किसी भी मीडियम के थ्रू जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, और इस डिस्टर्बेंस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन. सो जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाई जाती है. इवन आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो भी वेव्स पे ही आधारित है. वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू डिस्टर्बेंस फ्री स्पेस में आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर होते हैं. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ईएम वेव की बात हम करेंगे 12th के अंदर, क्योंकि वो भी जेई मेन नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिजिकल मीडियम इज नेसेसरी. जैसे साउंड वेव है, बिना स्पेस में एयर के या किसी मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती. सो डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू मीडियम, दैट इज व्हाट वी कॉल अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव की हम बात करें तो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी वेव की जो हमें समझना है. पहली चीज होती है वेव का एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हैं क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन. दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी, और तीसरी चीज होती है वेव वेलोसिटी. इन तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. व्हेन वी टॉक अबाउट वेव वेलोसिटी, दो तरह की वेव के बारे में हम बात करेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. बहुत सारी तरह की लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होती हैं, बट हम अगर एनसीईआरटी लेवल पे बात करें, हमारे सिलेबस की बात करें, तो ये दो ही वेव्स हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं, एक साउंड वेव और एक ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. वेलोसिटी को आप सबसे पहले समझिए, अगर अपन बात करें फॉर ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग, तो बेसिक आपको ये ध्यान रखना है जो वेव वेलोसिटी है दिस गिवन एज रूट ऑफ टी बाई म्यू, वेयर टी इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ. दिस टी इज टेंशन इन अ स्ट्रिंग और म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, और यू कैन राइट इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग.
और जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो इन केस ऑफ साउंड वेव्स वेव वेलोसिटी डिफाइन की जाती है रूट ऑफ ई बाई रो, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। ई के बारे में ऑलरेडी हम इलास्टिसिटी के चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स के लिए यंग मॉडुलस, लिक्विड फ्लूइड्स के लिए बल्क मॉडुलस, और गैसेस के लिए हम बल्क मॉडुलस ही बात करते हैं, जो पी या गामा पी से डिनोट किया जाता है। पी इज इक्वल टू पी और गामा पी फॉर गैसेस, दिस वाई इज फॉर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड पी एंड गामा पी फॉर गैसेज, जिसमें पी यूज होता है अगर गैसेज में आइसोथर्मल प्रोपागेशन ऑफ साउंड कंसिडर किया जाए, और गामा पी यूज होता है अगर एडियाबेटिक प्रोपागेशन यूज किया जाए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, पी इज द बल्क मॉडुलस यूज फॉर साउंड प्रोपागेशन इन गैसेज व्हेन वी कंसिडर टेम्परेचर ऑफ होल मीडियम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। गामा पी वी यूज एज बल्क मॉडुलस व्हेन इट इज कंसिडर्ड एज एडियाबेटिक प्रोपागेशन। और ये जो पी और गामा पी अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी बात करें तो वी होता है ई बाई रो, ई को आप पी डाल दीजिए, इट इज रूट ऑफ पी बाई रो, और द सेम कैन बी रिटन एज रूट ऑफ आर टी बाई एम, बिकॉज गैस लॉस हम पढ़ चुके हैं, पी इज रो आर टी बाई एम। दिस इज कंसिडर्ड एज न्यूटन फॉर्मूला, क्योंकि न्यूटन ने ये माना था कि जो साउंड एयर में प्रोपागेट होती है वो आइसोथर्मल फॉर्म में होती है, दिस फॉर आइसोथर्मल प्रोपागेशन। बट इसके बाद आया था लाप्लास फॉर्मूला, which was the correct relation, or it is also called as Laplace correction to Newton's formula. और Laplace formula ये था, इसमें v को बताया गया था, it is root of gamma p by rho, और the same can be written as gamma rt by m. So लाप्लास कंसिडर्ड कि जब एयर में साउंड प्रोपागेट होता है तो पार्टिकल के ऑसिलेशंस बहुत क्विक होते हैं, और क्विक प्रोसेसेस आर जनरली कंसिडर्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस। सो क्विक प्रोसेसेस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कोई हीट एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इन केस ऑफ साउंड प्रोपागेशन इन अ मीडियम इन एयर और इन गैशियस मीडियम इट इज कंसिडर्ड एज एडियाबेटिक फिनोमेना। सो लाप्लास फॉर्मूले से जब कैलकुलेशन की जाती है तो एक्चुअल वही वेलोसिटी निकल के आती है जिस स्पीड से साउंड एयर में या गैशियस मीडियम में ट्रेवल करती है, दिस कंसिडर्ड टू बी द करेक्ट रिलेशन। न्यूटन्स फॉर्मूला वॉज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, बिकॉज एक्चुअली जो वैल्यू आती है वो जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो एयर में या गैशियस मीडियम में एयर की एक्चुअल स्पीड से कम होती है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैक्टर गामा। सो अब ध्यान रखें, एक चीज और काम की है यहां पे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हमने इलास्टिसिटी में बात करी थी, कंप्रेसिबिलिटी को के से डिनोट करते हैं, विच इज गिवन एज 1 बाय बल्क मॉडुलस। सो दिस आइदर 1 बाय पी और इट इज 1 बाय गामा पी। सो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल लिया जाता है, लिक्विड के लिए 1 बाय पी, गैसेस के लिए इट इज आइदर 1 बाय पी और इट इज 1 बाय गामा पी, डिपेंडिंग ऑन वी आर टॉकिंग अबाउट isothermal compressibility or adiabatic compressibility. So 1 by p is the isothermal compressibility, 1 by gamma p is considered to be adiabatic compressibility. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो बेसिक लेवल पे हम बात करें तो वेव वेलोसिटी पे जितने क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं रिलेटेड फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं। एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को आप डायरेक्टली कह सकते हैं, दिस इज डिसाइडेड बाई वेव सोर्स। जहां से वेव एमिट होती है उस सोर्स पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करते हैं, क्योंकि सोर्स ही एमिट करता है, यानी जो डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मेरी साउंड वेव में वोकल कॉर्ड, मेरी वोकल कॉर्ड इस साउंड वेव का सोर्स है। सोर्स से एक बार वेव एमिट हो गई तो वो सोर्स से डिटैच हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जहां तक वेव जाएगी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। सो फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाई वेव सोर्स। इसके बारे में आप हमेशा ये कह सकते हैं Always remain constant, ये कभी change नहीं होती। हम amplitude की बात करें तो amplitude के लिए कह सकते हैं may change depending upon medium। आपने oscillation में ये बात पढ़ी होगी कि किसी भी एम्पलीट्यूड को, किसी भी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड को यूज किया जाता है ऑसिलेशन की एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए। किसी भी ऑसिलेशन की एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सो हम प्रैक्टिकल लेवल पे ये कह सकते हैं कि अगर किसी मीडियम में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो जहां तक वेव एज इट इज ट्रेवल करेगी इन अ यूनिडायरेक्शनल प्रोपागेशन, कहीं पे वेव स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेव स्प्रेड होने का मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई।
अगर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का प्रोपागेशन है तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और अगर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपागेट कर रही है और मीडियम में एनर्जी के लॉसेज हो रहे हैं तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वी ऑलरेडी रिटन एट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो लॉसी मीडियम या ऐसे मीडियम जिनमें एनर्जी लॉस होता है वहां पे वेव का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ जैसे जैसे वेव चलती है कम होता जाता है। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव मोशन। दोनों वेव्स को आप ध्यान में रखें, हम साथ में लेके चलेंगे चेकलिस्ट में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक आइडिया आपको वेव का है ट्रांसवर्स और साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव की हम बात करें, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीडियम पार्टिकल्स प्रोपागेशन के अलॉन्ग वाइब्रेट होते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारे पॉइंट्स लेते हैं जिन पे बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम पूरे के पूरे टॉपिक को पॉइंट वाइज रिवीजन में लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ अ वेव पल्स एंड अ वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक वेव। अगर हम एक वेव पल्स की बात करें कि स्ट्रिंग है जिस पे हमने जस्ट हाफ ऑसिलेशन दिया और एक पल्स क्रिएट करी, तो स्ट्रिंग के टेंशन की वजह से जो हमने बात करी थी कि वेव वेलोसिटी होती है रूट टी बाई म्यू, उस वेलोसिटी से ये पल्स स्ट्रिंग में आगे बढ़ेगी, और स्ट्रिंग को हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ऑसिलेशन ट्रांसवर्स वेव की वजह से हम वाई डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन अगर इस पल्स की इक्वेशन हम बात करें, ये है प्रोफाइल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो t टाइम में ये पल्स कितना डिस्टेंस आगे चली जाएगी, ये चली जाएगी विद द डिस्टेंस वी टी, बिकॉज v वेलोसिटी से चल रही है और ये पल्स होगी इस पोजीशन पे। सो अगर इस पल्स की इक्वेशन की बात की जाए t टाइम बाद, क्योंकि ये vt आगे गई है, आप ये कंसिडर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पल्स ओरिजन, vt डिस्टेंस पीछे चले गया, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x माइनस वी टी, यानी x इक्वल्स टू वी टी पे वही फंक्शन आएगा यहाँ पे जो कि इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे था। उसी तरीके से अगर कॉन्टिन्यूस अगर एक पार्टिकल या एक सोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यानी माइनस ए और प्लस ए के बीच में यहाँ पे एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जिसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर कॉन्टिन्यूस वेव जनरेशन हो रहा है, सो किसी भी इंस्टेंट पे अगर इस वेव की इक्वेशन देखें, इट कैन बी गिवन एज साइनोसॉइडल फंक्शन। और अगर हम टी टाइम पे बात करें कि किसी भी पार्टिकल की जो इस स्ट्रिंग के ऊपर लोकेटेड है उसकी पोजीशन पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी ओरिजिन से एट ए डिस्टेंस एक्स अगर ये एक पार्टिकल कंसिडर किया और इसकी पोजीशन बाय अ हाइट वाई है, तो इस वाई का टाइम और एक्स में जो फंक्शन होगा दैट वी कैन डिफाइन एज सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, तो डायरेक्टली आप सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन को डिराइव हम कॉन्सेप्ट वीडियो में कर चुके हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है, इन दिस इक्वेशन अगर वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है तो आप यहाँ माइनस लेंगे, अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है तो आप इसको प्लस लेंगे। नाउ इन दिस सिचुएशन आपको दोनों इक्वेशन एनालाइज करनी है, चाहे ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो। फर्क इतना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर के अंदर, ये जो वेव की शेप दिखाई दे रही है, दिस शेप वी कॉल डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव है तो ये एक्चुअल स्ट्रिंग की पोजीशन दिखाई देगी, साउंड वेव की बात हो रही है तो ये कर्व है कि एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल लोकेटेड है वो पॉजिटिव वाई के ऊपर है, यानी अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो यहां पे एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन से आगे प्लस वाई डिस्टेंस होगा, कहीं पे अगर ये माइनस डिस्टेंस पे अगर ये वाई वन डिस्टेंस नेगेटिव है तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से माइनस वाई वन डिस्टेंस पीछे होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट वीडियो में यही चीजें काफी डिटेल में एक्सप्लेन है, बट एमसीक्यू के लिए लास्ट मोमेंट पे रिविजन के लिए आप अगर देखेंगे, सो दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशियंट। लॉन्गिट्यूडनल में क्योंकि ऑसिलेशन अलोंग द लेंथ होते हैं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को आप अपनी मीन पोजिशन के आगे लेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजिशन से पीछे लेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल वे में पार्टिकल अलोंग लाइन ऑफ प्रोपागेशन ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कर्व यही रहेगा। विद द सेम डिस्प्लेसमेंट कर्व वी रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव आल्सो, और ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट कर्व स्ट्रिंग की एक्चुअल शेप को डिफाइन कर रहा है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड अबाउट इक्वेशन। अगर वेव अपोजिट चल रही है तो आप यहां पे माइनस की जगह प्लस ले लेंगे।
साथ ही एक चीज और यहाँ पे काम की दिमाग में रखना जरूरी है कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। अगर ये वेव आगे की तरफ वी वेलोसिटी से जा रही है तो जितनी भी आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी ये पार्टिकल है, थोड़ी देर बाद इस वेव की शेप ये हो जाएगी, या ये कह सकते हैं ये वेव आगे डिस्प्लेस हो जाएगी। तो आप ये देखिए, इस पार्टिकल को यहाँ पहुँचना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। यानी जितने भी पार्टिकल इस नेगेटिव स्लोप के पोर्शन पे हैं, ये सब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जितने भी पार्टिकल इस शेप के ऊपर हैं वो सारे पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि किसी भी केस में आपको स्ट्रिंग के बारे में बता के उसके पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जा सकती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको इसी एक्सप्रेशन के डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने SHM कवर किया हुआ है। सो पार्टिकल का परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन या अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन SHM ही हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं और फेज थोड़ी थोड़ी डिफर कर रही है, दैट्स वाई स्ट्रिंग की शेप या साउंड प्रोपागेशन का डिस्प्लेसमेंट कर्व साइनोसॉइडल दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इन अ सिंपल हार्मोनिक वेव। अभी हमने एक वेव की इक्वेशन की बात की थी कि अगर वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, सो दिस वुड बी इट्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, जो इसका मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल का इस वेव में, जो कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, उसकी पोजीशन सिग्निफाई करता है। अगर ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव है जो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, अब हम यहाँ पे एक पार्टिकल पी कंसीडर करते हैं और एक पार्टिकल क्यू कंसीडर करते हैं, जिनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है, वी डिफाइन दिस पार्ट डिफरेंस एज डेल्टा। सो अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमें दिया गया है डेल्टा, इसका मतलब जब वेव यहाँ से पी से क्यू तक पहुँचेगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा। टाइम डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं डेल्टा डिवाइडेड बाय वी, इतना टाइम लगेगा। सो इतने टाइम में जो पार्टिकल पी है, इसका ऑसिलेशन कितनी फेज में आगे जाएगा, क्योंकि पी और क्यू की बात करें तो दोनों प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। और ये बात भी हम कर चुके हैं कि वेव कहीं भी जाती है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, यानी वेव यहीं से जा रही है तो पी और क्यू की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी सेम है। सो अगर हम टाइम लैग की बात करें, सो टाइम लैग between oscillations of P and Q, तो आप डायरेक्टली टाइम लैग को डिफाइन कर सकते हैं दिस डेल्टा डिवाइडेड बाई वी। वी वेलोसिटी से वेव ट्रेवल कर रही है, डेल्टा इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस है। तो इतने टाइम में पी क्यू से फेज में आगे निकल जाएगा क्योंकि वेव पहले पी पे आई है, उसके बाद वो क्यू पे जा रही है। इसका मतलब पी पहले ऑसिलेशन शुरू कर देगा। और हम बात कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा है तो टी टाइम में कितना फेज चेंज होगा, आप डायरेक्टली कह सकते हैं फेज लीड ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज टी टाइम में, जब वेव क्यू तक पहुंचेगी तब तक पी का जो फेज लीड आ जाएगा, जितना पी फेज में आगे निकल जाएगा, ये होगा ओमेगा टी, यानी आप लिख सकते हैं ओमेगा बाय वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πn, वेलोसिटी को एन लिमडा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। सो दिस गिव्स यू अ रिलेशन 2π बाय लिमडा टाइम्स डेल्टा। सो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन आप डायरेक्टली सिग्निफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आप फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन अ वेव मोशन यू कैन राइट एज 2π बाय लिमडा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैंने डेराइव भी इसलिए किया है क्योंकि इस रिलेशन को निकालने में हम ये समझ जाते हैं कि जब वेव ट्रेवल करती है तो वेव के साथ फेज भी ट्रेवल करता है, और फेज वेलोसिटी अगर कभी पूछी जाए तो फेज वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के बराबर होती है, क्योंकि पी पार्टिकल T1 टाइम पे जिस फेज में था, क्यू पार्टिकल यहां से यहां आने पर T1 प्लस डेल्टा बाई वी टाइम बाद उसी फेज में होगा। फेज ऑफ पी एट T1 और फेज ऑफ क्यू एट T1 प्लस डेल्टा T मस्ट बी सेम। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि वेव के साथ फेज ट्रेवल करती है उसी वेलोसिटी पे, आगे वाले पार्टिकल थोड़ी देर बाद उसी फेज में आ जाते हैं ऑसिलेशन की जिस फेज में पीछे वाले पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे। तो जस्ट कीप दिस बेसिक फैक्टर इन योर माइंड सो दैट इस लेवल के बेसिक क्वेश्चन में हमसे कोई गलती ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पोजी प्लीज क्लियर करो।
थैंक यू भौजी. सो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक वेव की डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको एक इक्वेशन दी जाती है कि ये सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन है और हमें वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है, जैसे एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ. सो उसके लिए गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है. चार तरह से हम एक सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन को लिख सकते हैं. बेस इक्वेशन जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात करी थी, वाई कैन बी रिटन एज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. और यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है. अगर वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन होगा. सो इन दिस सिचुएशन जो सेकेंड इक्वेशन है, आप यहाँ पे ओमेगा को कॉमन ले लीजिए. के को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी या टू पाई बाई लेमडा, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम. सो के को अगर ओमेगा बाई वी लिखेंगे तो ओमेगा कॉमन आने पे इक्वेशन बनेगी ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी. यहां पे फिर आप ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई बाई टाइम पीरियड. टाइम पीरियड अंदर ले जाइए, दिस बिकम्स टू पाई टी बाई टी माइनस वी टी कैन बी रिटन एज लेमडा, दिस टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा. फोर्थ इक्वेशन इसी की जनरलाइज, यहाँ से लेमडा को कॉमन ले लीजिए, इट विल बिकम ए साइन टू पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई वी टी माइनस एक्स. तो चारों इक्वेशंस को आपको दिमाग में रखना है ताकि क्विकली किसी भी इक्वेशन को रिकॉल करके जो भी गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में होगी उससे हम कंपेयर करें, रिलेवेंट प्रॉपर्टीज हम निकाल सकें. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो इक्वेशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस. फॉर सिंपल हार्मोनिक वेव ये इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को यूज करके निकाली जा सकते हैं. अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकंड रिलेशन आ जाएगा. समझने की काम की चीज़ यहाँ पे ये कि dy वाई बाई डी टी डेल वाई बाई डेल टी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट ए डिस्टेंस x विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजिशन. सो डेल वाई बाई डेल टी को लिखा जा सकता है पार्टिकल वेलोसिटी. इट कैन बी रिटन एज माइनस वी टाइम्स डेल वाई बाई डी डेल एक्स होगी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व. यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया गया है तो उस डिस्प्लेसमेंट कर्व की स्लोप को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो उस पॉइंट की जहाँ की हमने स्लोप कंसिडर करी है उस पॉइंट के पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी. यानी अगर हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है और हमें ये पता करना है ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल की इस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वी वेलोसिटी से वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. लेकिन होगी कितनी, ये पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एंगल थीटा निकालिए, टेन थीटा विल बी द स्लोप. स्लोप को इस वी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ स्लोप नेगेटिव है. आप देखिए नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वीपी पॉजिटिव आएगी, यानी आपके पास डायरेक्शन भी इस एक्सप्रेशन से निकल रही है. सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन और दिस फॉर्मूला, पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व पूरे मीडियम में जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है. आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे बात करें, सो ये इक्वेशन हमें बता रही है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिस वी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर. इसे हम कहते हैं कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व. सो अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है. यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट द रिलेशंस, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आएंगे लाइटनिंग फास्ट अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो इन एक्सप्रेशंस को यूज करके हैंडल कर सकते हैं. इनके डेरिवेशंस डिटेल में कॉन्सेप्ट वीडियो में आप चाहे वहाँ देख सकते हैं, फिजिक्स गैलेक्सी बुक में डिटेल में है, जिनमें बहुत सारे एप्लीकेशंस और सॉल्व एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व केसेज इनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं वो अवेलेबल. आप चाहे तो उन चीजों को पढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं से तो आपको रेफर करना ही पड़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस मेंटेन रहे. और जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम बहुत नियर बाय हैं वो इन फॉर्मुलों को टिप्स पे रखें, सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. क्योंकि जितनी वैरायटी ऑफ केसेस पॉसिबल हो सकते हैं जेई मेन नीट के आई एम गोइंग टू टेक अप हियर इन दिस चेकलिस्ट. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इन द चेकलिस्ट इज वेरिएशन इन साउंड वेलोसिटी. अगर हम साउंड वेलोसिटी की बात करें, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वी राइट एज रूट ऑफ गामा पी बाई रो बाई लाप्लास फार्मूला और द सेम कैन बी रिटन एज रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम. सो यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी है
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होता जाएगा साउंड वेलोसिटी चेंज होगी. फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स वी कैन राइट V1 बाई V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 बाई T2. सो टेम्परेचर के साथ अगर वेरिएशन बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन दिखाई दे रहा है. सेम अगर हम प्रेशर और डेंसिटी के साथ वेरिएशन की बात करें तो एक चीज आप देखें, बाई गैस लॉ P इज इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम, यानी अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लिया जाए तो यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो यानी P बाई रो है आर टी बाई एम, यानी अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लिया जाए तो ये पूरा फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेगा, प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो भी कॉन्स्टेंट रहेगा. तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रेशर में वेरिएशन से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कई स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ प्रेशर, जो कि गलत है. अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिया है तो पी बाई रो कॉन्स्टेंट है, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी सच दैट पी बाई रो रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड is independent of pressure at a given temperature. एक गिवन टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर के वेरिएशन का साउंड वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन साथ में डेंसिटी की बात करें तो आपको ये लगेगा कि अगर हम डेंसिटी बदलेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी बढ़ाई तो प्रेशर बढ़ जाएगा. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. रीजन इज अगर हम इस रिलेशन में बात करें, डेंसिटी बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, इट इज नॉट जस्ट बाई वेरिएशन इन प्रेशर. यानी अगर हम बात करें एयर के अंदर ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आप ये कह सकते हैं अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको वाटर पार्टिकल्स रिप्लेस कर रहे हैं, या वाटर पार्टिकल्स के आने की वजह से डेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है. सो डायरेक्ट डेंसिटी वेरिएशन हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमिडिटी के आने से ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज ज़्यादा नहीं होगा या ना के बराबर चेंज होगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ गैस की बात करें तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्ट एयर की अगर हम बात करते हैं तो वो ड्राई एयर से हल्की होती है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स जिसमें मैक्सिमम कंपोनेंट नाइट्रोजन का है, सो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स रिप्लेस हो रहे हैं बाय H2O मॉलिक्यूल्स. यानी अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, वेयर एज H2O का मोलर मास होता है 18. यानी हल्के पार्टिकल्स से रिप्लेस किया जा रहा है तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है. सो हम एक चीज ये कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ मॉइस्ट एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ ड्राई एयर. This cannot be directly written as variation in velocity with the density, लेकिन आप humidity से जो relation है उसको दिमाग में ज़रूर रख सकते हैं कि humidity बढ़ाने पे एक given pressure पे दोनों air का pressure हम बात almost same कर रहे हैं कि दोनों का pressure almost same है, लेकिन humidity increase करने से moist air में density कम होती है, pressure atmospheric pressure ये, तो sound velocity बढ़ जाती है. यानी कभी humidity है और आप चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ atmosphere में ज़्यादा दूर penetrate करेगी और बहुत जल्दी पेनिट्रेट करेगी, और इन ड्राई एयर अगर लेस ह्यूमिडिटी रीजन में बात करेंगे तो एयर में साउंड रिलेटिवली स्लो प्रोपागेट करेगी. सो बेसिक पॉइंट्स हैं आपको ह्यूमिडिटी प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन का साउंड वेलोसिटी के साथ ध्यान रखना है. कई बार क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं, साउंड वेलोसिटी जैसे स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है. सो अगर किसी मीडियम में टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है और हमें साउंड का प्रोपागेशन टाइम निकालना है, आप उसका भी ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए एक ऐसा मीडियम है जहां टेम्परेचर T1 से T2 तक वेरी कर रहा है और टेम्परेचर गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ x और T=0 पे साउंड चलती है और हमें यहां तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करना है. सो आप डायरेक्टली टाइम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से. अगर आप इसे लिखते हैं V=K√T, सो V को आप लिख सकते हैं dx/dt और √T को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर में dx/t इज रिटन एज फंक्शन ऑफ x=K/dt. आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, T=0 पे x0 था, टाइम टी पे एक्स एल है, अगर टोटल लेंथ एल ट्रेवल करनी है तो यहाँ से आपके पास टाइम निकल जाएगा. सिंपल एक्सप्रेशन है, एक बेसिक इंटीग्रेशन से रिजल्ट आ जाता है. नीट में तो इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं पहले. अभी हम बात करें तो रिसेंटली 2018 ऑनवर्ड 2019 की और 2020 की अगर हम जनवरी अटैम्प्ट की बात करें तो क्वेश्चंस फंडामेंटल हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, सो आपको दिमाग में रखना है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. ओजी प्लीज़ क्लियर करो.
थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव. पावर की अगर बात करें तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं पावर इज गिवन इन वॉट, यानी जूल पर सेकंड. पर सेकंड वेव कितनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है या थ्रू वेव्स एनर्जी प्रोपागेट कर रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर. और इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसे डिनोट किया जाता है. सो अगर एक सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करें जिसके पार्टिकल्स ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास एन हर्ट्ज दी हुई है और वेव वेलोसिटी वी है. सो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया जाए जिसमें से ये वेव एनर्जी फ्लो रही है, अगर ये एस है, यानी अगर स्ट्रिंग वेव है तो स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, साउंड वेव है तो जितने रीजन में वो वेव प्रोपागेट कर रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं. अगर थ्रू एस वेव प्रोपागेट कर रही है सो पावर ऑफ वेव इज गिवन एज 2π² (n²a²ρvs). एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट याद रखें और इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में है अगर आप देखना चाहते हैं. पर्पजली जो स्टूडेंट एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करके पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में जो physicsgalaxy.com पे या physicsgalaxy मोबाइल ऐप पे प्लेलिस्ट है वहां पे क्विकली आप हेडिंग पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव वाली स्लाइड पे जाके, सेपरेट स्लाइड्स हैं, चेकलिस्ट में मैं साथ ले रहा हूं लेकिन पावर अलग है, उस पावर वाली स्लाइड को देखिए. हार्डली 3 मिनट के अंदर आप उसको x1.5 या x2 स्पीड पे देख के आ सकते हैं. और ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के लिए, आपको ध्यान में रखना है दिस इज गिवन इन वॉट अगर सारे पैरामीटर्स सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा यूनिट्स में दी गई हैं तो. और वेव इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं p/s. दिस कम्स आउट टू बी 2π² (n²a²ρv). तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, सिर्फ एस का फर्क है. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने का इन दोनों के अंदर है कि जब हम इंटेंसिटी की बात करें या पावर की बात करें, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एज वेल एज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर सेम वेव की बात हो रही है तो इन द सेम वेव आप ये कह सकते हैं फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी एज वी चेंज एम्पलीट्यूड विद स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी विल वेरी. और अगर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के अलावा देखा जाए तो डेंसिटी और वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन्हें आपको साथ में ध्यान में रखना है. आई इज प्रोपोर्शनल टू रो एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू वी. अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो आप ध्यान रखिएगा फॉर साउंड वेव्स अगर हम बात कर रहे हैं तो साउंड वेव्स के लिए वी को हम लेते हैं √γ(p/ρ). तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, आपको √γ(p/ρ) बन जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू वी और प्रोपोर्शनल टू रो है. सो एक्सप्रेशन को आपको केयरफुली अप्लाई करना है जैसी सिचुएशन गिवन होगी. कॉरस्पॉन्डिंगली आप ये चारों रिलेशंस यूज करेंगे, द प्रोपोर्शनल रिलेशन कि किसी वेव को एक मीडियम में दिया गया और उसी वेव सोर्स को दूसरे मीडियम में रखा गया है तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी को हमको यूज करना है. लेकिन अगर स्ट्रिंग वेव है यानी साउंड वेव में क्या हो जाएगा, वी और रो को आप कंबाइन करेंगे तो वी और रो का फैक्टर बन जाएगा √γ(p/ρ). सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम. लेकिन अगर यहीं से हम बात करें फॉर स्ट्रिंग वेव तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा फॉर स्ट्रिंग वेव यही चीज चेंज हो जाएगी, वी हो जाएगा √T/μ और डेंसिटी साथ में है और म्यू अपना होता है यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी जिस म्यू को आप लिख सकते हैं ρs, वेयर रो इज द डेंसिटी एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, वी रो की वैल्यू चेंज होके यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगी, दिस विल बी √T/ρs है तो दिस √T/ρs बन जाएगा क्योंकि डेंसिटी रो के प्रोपोर्शनल है और यहाँ रो के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे भी सिचुएशंस होंगी आपको कॉरस्पॉन्डिंगली ये एक्सप्रेशन पावर है या इंटेंसिटी है दोनों को मॉडिफाई करके यूज करना है. बाकी चीज़ें अगर मीडियम कॉन्स्टेंट है यानी सेम मीडियम है तो वी और रो को कॉन्स्टेंट ले लीजिए, सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन काम के हैं. और फ्रीक्वेंसी भी कॉन्स्टेंट है, कई बार कोहरेंट वेव्स दी जाती हैं तो सिर्फ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर काम आएगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेज में यूज़ किया जाता है. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव. ये टॉपिक ना सिर्फ यहाँ साउंड वेव्स में काम आता है बल्कि लाइट वेव्स में भी वेव फ्रंट एनालिसिस और इंटेंसिटी ऑफ वेव कैलकुलेशन में ये चीज़ काम आएगी. एज द नेम इम्प्लाइज डिटेल में तो कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में हमने कवर किया. स्फेरिकल वेव्स होती है जिसमें एक पॉइंट सोर्स यूज़ किया जाता है और पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वेव वो यूनिफॉर्मली रेडियली इन ऑल डायरेक्शन निकलती है. यानी जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो एक स्फेरिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होती है और जो ये स्फेरिकल सरफेस हम ड्रॉ करते हैं जिसके परपेंडिकुलर या क्रॉस सेक्शन फॉर्म में ये एनर्जी ट्रेवल करती है,
स्फेरिकल सरफेसेस को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें सारे पार्टिकल सेम माना जाता है कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर कोई यूनिडायरेक्शनल वेव ट्रेवल कर रही है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन है वो फ्लैट होता है, उसे फ्लैट वेव फ्रंट कहते हैं। अगर वेव रेडियली आउटवर्ड ट्रेवल कर रही है तो जो स्फेरिकल क्रॉस सेक्शनल सरफेस है उसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर एक लाइन सोर्स है जिसको आप लाइट में ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम कंसीडर करें एक ट्यूब लाइट है, तो अगर एक लाइन सोर्स है तो इससे जो वेव एमिट होगी वो रेडियली आउटवर्ड एमिट होगी और इसका जो वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल सरफेस का होगा, क्योंकि जो वेव एमिट हो रही है वो हर पॉइंट पे इस लाइन के परपेंडिकुलर एमिट हो रही है। सो दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट व्हिच इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम दिस लाइन, और ये वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे वेव इस लाइन से दूर होती जाएगी, वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल रीजन या स्फेरिकल सिलेंड्रिकल सरफेस ये बड़ी होती जाएगी, जिसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि सेंटर पे जिस सोर्स से स्फेरिकल वेव्स एमिट हो रही हैं, रेडियल वेव्स एमिट हो रही हैं, इसका सोर्स पावर हमें गिवन है, सोर्स पावर इज इक्वल्स टू पी वॉट्स। अगर सोर्स पावर पी वॉट है तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट पी होगा, इस पी पॉइंट पे वेव इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाई 4πx², क्योंकि जो पावर पी वॉट है इसका नाम आप चेंज कर दीजिए, से यू कैन राइट इट एम। सो जो आई एम होगा, इस एम पॉइंट पे जो पावर पहुंचेगी पर यूनिट एरिया, वो पूरी पावर पी जो सोर्स से निकली है वो 4πx² स्फेरिकल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो पर यूनिट एरिया यहां से जो पावर क्रॉस हो रही है उस पावर को आप लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाय ओवरऑल एरिया। सो जो इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल वेव सोर्स होती है, इस इंटेंसिटी को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² लिख सकते हैं। इस तरह से अगर सिलेंड्रिकल लाइन सोर्स में हम बात करें, सो इस लाइन सोर्स की अगर पावर हमें दी गई है पी वॉट, सो इस लाइन सोर्स की पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस में, यानी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे अगर ये एल लेंथ की सरफेस है तो इस एम पॉइंट पे इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाएगा पी डिवाइडेड बाय 2πxL। 2πxL इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल लेयर जिसमें इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे जो सिलेंड्रिकल लेयर है उसका सरफेस एरिया 2πx मल्टीप्लाइड बाय एल होगा, यानी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें फॉर अ स्फेरिकल वेव एंड अ सिलेंड्रिकल वेव, तो स्फेरिकल वेव में इंटेंसिटी एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सिलेंड्रिकल वेव में इंटेंसिटी एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो हमें पता है इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पर जो वेव एम्पलीट्यूड होगा, वेव एम्पलीट्यूड हम स्पेसिफाई कर सकते हैं A inversely proportional to root x, और in case of a spherical wave यहाँ पे amplitude specify कर सकते हैं inversely proportional to x, क्योंकि intensity a square के proportional होती है, और अगर हमारे पास amplitude का idea है तो हम directly wave equation लिख सकते हैं, wave equation for अगर spherical simple harmonic wave है तो इसकी equation बनेगी, एक कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वी कैन राइट ए बाय एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगी हमारी स्फेरिकल एसएचएम एसएचडब्ल्यू की इक्वेशन, और अगर सिलेंड्रिकल सिंपल हार्मोनिक वेव है तो उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, दिस विल बी ए नॉट बाय रूट एक्स, ए नॉट हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं, दिस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो इन दोनों एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना है विच आर सिग्निफाइंग द स्फेरिकल सिंपल हार्मोनिक वेव और सिलेंड्रिकल सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन, जिसमें एक्स सोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन केस ऑफ स्फेरिकल सोर्स, पॉइंट से डिस्टेंस है इन केस ऑफ लाइन सोर्स, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एक्सप्रेशंस और रिलेशन ध्यान में रखने हैं, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चेकलिस्ट विल टॉक अबाउट साउंड वेव्स एंड प्रेशर वेव्स। जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अगर किसी रीजन में
एक सोर्स ऑफ साउंड रखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक स्पीकर हम कंसिडर करते हैं और इस रीजन में मान लेते हैं ये स्पीकर यूनिडायरेक्शनल साउंड वेव एमिट कर रहा है एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव साउंड एस एच डब्ल्यू को ये एमिट कर रहा है। तो जो वेव ट्रेवल करेगी वो वी वेलोसिटी से करेगी और जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो लाइन ऑफ प्रोपागेशन के अलॉन्ग ऑसिलेट होंगे। सो इस अलॉन्ग द लाइन ऑफ प्रोपागेशन के ऑसिलेशन से कुछ पॉइंट्स पे पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, यानी मीडियम डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी जब ये पार्टिकल इधर आते हैं और इधर वाले पार्टिकल्स भी इधर आते हैं तो आप ये कह सकते हैं इस जगह पे डेंसिटी ऑफ मीडियम हाई होगा और दिस इज द पॉइंट ऑफ कंप्रेशन। और सारे पार्टिकल्स अगर इधर आए हैं तो यहां वाले रीजन में और यहां वाले रीजन से पार्टिकल डेंसिटी कम होगी और दिस द पॉइंट ऑफ, या ये कह सकते हैं यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम हुई है क्योंकि ये पार्टिकल इधर ऑसिलेट होके आए और इधर वाले दूर हो गए, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहां पे डेंसिटी मिनिमम होगी इन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ रेयरफैक्शन, यानी लो डेंसिटी पॉइंट्स। यानी साउंड वेव में मीडियम की जो डेंसिटी हो कम ज्यादा होती है। जैसे स्ट्रिंग वेव में क्रेस्ट और ट्रस प्रोड्यूस होते हैं मीडियम पार्टिकल्स के अपनी मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे डिस्प्लेसमेंट की वजह से, साउंड वेव में या लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन या रेफ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। आपने शायद अपनी अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो समझने का है वो ये कि बाय गैस लॉ हम कह सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दिस इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम। सो इन दिस सिचुएशन जो प्रेशर है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। यानी जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर भी कम होगा। और वेव क्योंकि आगे ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी वी, तो जिस पॉइंट पे रेरफेक्शन है थोड़ी देर बाद ये कंप्रेशन चल के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन क्यों है, पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की फेज की वजह से और फेज ट्रेवल करती है। सो ये कंप्रेशन आगे आ जाएगा, ये रेरफेक्शन आगे चले जाएगा। सो इन दिस केस वी कैन स्टेट कि मीडियम पार्टिकल पे प्रेशर भी टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड हियर इज फॉर वेव इक्वेशन हम यहां पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx। अगर वेव इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये है तो प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन डिफाइन होती है डेल्टा p नॉट cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx। ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखिए क्योंकि इस वक्त हमारे लिए एक्सप्रेशन जरूरी है। ऑल दो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में दिया गया, आप चाहें तो वहां से रेफर कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जिसमें डेल्टा p वेरिएशन प्रेशर है, डेल्टा p नॉट को हम कहते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। यानी जहां पे कंप्रेशन है यहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है जिसे दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी नॉट, और जहां रेयरफैक्शन है यहां पे प्रेशर मिनिमम होता है, इस प्रेशर को कहा जाता है पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। दैट इज व्हाई डेल्टा पी नॉट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, जिस मैक्सिमम प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और नीचे प्रेशर चेंज होता है। सो इन दिस सिचुएशन दिस डेल्टा पी नॉट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड का रिलेशन भी आप लिख सकते हैं, दिस गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो वी आई, जिसमें आई इज द वेव इंटेंसिटी, रो इज द डेंसिटी, वी इज द वेलोसिटी। सो अगर इंटेंसिटी प्रेशर एम्पलीट्यूड रिलेशन निकालना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी, आइदर ऑफ द टू रिलेशंस यू कैन यूज। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस इस तरह के ओलंपियाड लेवल पे पूछे गए हैं जो डायरेक्ट इन फॉर्मूलों से लिंक्ड होते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है। मैक्सिमम जब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो प्रेशर एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड से भी रिलेट करना होता है, इसी डेल्टा पी नॉट को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं दिस रिटर्न एज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ए बी, जिसमें बी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम और ए इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ मीडियम एंड दिस द वे हाउ प्रेशर एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड। अब जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऐसा हो सकता है कि मीडियम में जो प्रेशर चेंज हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा पी नॉट बढ़ेगा, डेल्टा पी नॉट अगर बढ़ेगा तो कंप्रेशन पे प्रेशर बढ़ेगा, रेयरफैक्शन पे प्रेशर घटेगा। अब आप सोचिए रेयरफैक्शन पे मिनिमम कितना प्रेशर जा सकता है, ऑब्वियसली किसी भी एयर मीडियम में या गैशियस मीडियम में प्रेशर मिनिमम जीरो
जीरो किया जा सकता है, जीरो से कम यानी नेगेटिव प्रेशर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो डेल्टा पी नॉट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी पी नॉट के बराबर होगा या ये पी एटीएम के बराबर हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो आप डेल्टा पी नॉट को पी एटीएम के बराबर करिए और इस एक्सप्रेशन से ए निकाल लीजिए, आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव निकल जाएगा। सो किसी भी मीडियम में साउंड वेव ऑफ एनी एम्पलीट्यूड इज नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम उतना ही एम्पलीट्यूड हो सकता है जबकि प्रेशर एम्पलीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, क्योंकि उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा जो कि डिफाइंड ही नहीं है। सो दिस द वे हाउ साउंड वेव्स आर कंसिडर्ड एज प्रेशर वेव्स। आप इस चीज को ध्यान में रखें और केसेस के लिए सारे जो एक्सप्रेशन मैंने बॉक्सेस में एनक्लोज करें इनको टिप्स पे याद रखें। किसी भी डेरिवेशन के लिए आप पीजी कॉन्सेप्ट वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है लाउडनेस लेवल। जब भी हम साउंड की बात करते हैं साउंड हमारे कानों को प्लेजेंट भी लगती है लाउड भी लगती है डिपेंडिंग अपॉन की सोर्स से साउंड की कितनी इंटेंसिटी हमारे कानों में आ रही है। सो जो परसेप्शन है लाउडनेस का यानी जब साउंड वेव आती है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा लाउड अपीयर होती है, तो लाउडनेस को मैथमेटिकली काउंट किया जाता है। लाउडनेस लेवल में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा होगा, इंपेरिकल रिलेशन है, आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि अगर हाई इंटेंसिटी की साउंड वेव है तो उस लाउडनेस लेवल को हम मेजर करते हैं डेसिबल के अंदर। डेसिबल इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस जो दिया जाता है 10 लॉग टू द बेस 10 आई बाय आई नॉट। आई नॉट यहाँ पे रेफरेंस इंटेंसिटी है जिसे हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। इस आई नॉट की वैल्यू ली जाती है 10^-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी विच कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी और अ स्पेसिफिक ह्यूमन ईयर। दिस इज आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। सो दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी जिसके रिस्पेक्ट में सारी इंटेंसिटीज को यूज किया जाता है लाउडनेस लेवल डिफाइन करने के लिए। यानी किसी भी साउंड वेव की इंटेंसिटी आप इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो हमारे पास लाउडनेस लेवल निकल के आएगा। इस लाउडनेस लेवल को जनरल आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक टेबल यहाँ पे दिखा रखी है जनरल लाउडनेस लेवल। यानी अगर जीरो डेसिबल साउंड है तो वो साइलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कोई साउंड इंटेंसिटी नहीं है। इन जनरल 20-30 डेसिबल जो लाउडनेस लेवल होता है वो लाइब्रेरी साउंड का होता है जो बहुत ही कम होता है, बेयरली डिटेक्टेबल साउंड। और 50-60 dB इज द साउंड ऑफ जनरल कन्वर्सेशन, जब हम आपस में बात करते हैं तो लाउडनेस लेवल 50-60 dB होता है। अभी अगर आप इस वीडियो को हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो कान में लाउडनेस रिलेटिवली ज़्यादा होगी, लेकिन उन हेडफोन्स को दूर करेंगे तो एकदम से वो लाउडनेस लेवल ड्रॉप हो जाएगा जो शायद 5 dB 10 dB तक हो, आप बेयरली उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। उसी तरह से जब लाउड टॉकिंग होती है वॉल्यूम आप बढ़ा देंगे तो 60-70 dB के अप्रॉक्सीमेटली लेवल होता है, कोई चिल्ला रहा है 70-80 dB, और थंडर स्टॉर्म या इंडस्ट्रियल साउंड किसी बड़ी मशीनरी के पास आप खड़े हैं तो जो साउंड सुनाई देता है वो 90-100 डेसिबल है। और ये हमेशा ध्यान रखें 90-100 डेसिबल के बाद जो साउंड होता है दिस पेनफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स। ह्यूमन ईयर्स के लिए 90-100 डेसिबल या उससे ज़्यादा का साउंड पेनफुल होता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल एनालाइजिंग दी फैक्चुअल डेटा, क्योंकि कई बार जेई मेन में फैक्ट्स के ऊपर भी बेस क्वेश्चन पूछे आते हैं, एनसीईआरटी में भी कई डेटा दिए हुए हैं। बट आई विश कि आप लोग बेसिक थ्योरी के साथ चलें, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करें अगर कहीं पर लाउडनेस लेवल की कैलकुलेशन करनी है तो। इस तरह के छोटे छोटे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे वेव मोशन के टॉपिक को। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज कोहरेंस एंड सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अभी तक हमने जनरल बात करी वेव्स के बारे में यानी एक स्ट्रिंग में और साउंड वेव्स किस तरीके से प्रोपागेट होती हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और उन वेव से रिलेटेड कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिन पे अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेन में या नीट में, वो सारी चीज़ें हमने बात करी। अब हम बात करेंगे वेव्स के सुपरपोजिशन की। सो सबसे पहला पॉइंट है हमें समझना कि कोहरेंस क्या होता है। कोहरेंस हमेशा जब भी बात की जाती है तो एक से ज्यादा वेव्स के बारे में बात करते हैं तब कोहरेंस की टर्म यूज होती है। सो आपको कोहरेंस के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट कोहरेंस वेव्स हैविंग एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस are called coherent waves.
इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में कई तरह की चीजें कोहेरेंट वेव से रिलेटेड है। जब हम एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बात करते हैं तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि उन वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं उनका इनिशियल फेज भी जो था वो कॉन्स्टेंट डिफरेंस पे रहना चाहिए, यानी किसी भी पार्टिकल में फेज डिफरेंस में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर इनिशियल फेज में चेंजेस आते हैं किसी भी वेव के तो किसी और पॉइंट पे भी फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इनिशियल फेज चेंज नहीं हो सकती, एक गलत कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि इनिशियल फेज कई तरीकों से चेंज की जा सकती है। एटमॉस्फेरिक सर्जेस से इनिशियल फेज चेंज हो जाती है, यानी किसी वेव में थोड़ा सा भी आप जर्क दे देंगे तो उस वेव के ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी लेकिन इनिशियल फेज में वेरिएशन आ जाएगा क्योंकि उस जर्क की वजह से पार्टिकल्स में सडन पोजिशन चेंजेस होंगे। सो सडन पोजिशन चेंजेस हमेशा इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कोहेरेंस का मतलब ये सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस कहना चाहिए, या किसी भी पॉइंट का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा अगर इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो सच वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले सुपरपोजिशन की बात करते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब, अगर मान लीजिए एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है, S1 से एक वेव ट्रेवल कर रही है, यानी इस मीडियम में जितने पार्टिकल हैं उनका ऑसिलेशन S1 से आने वाली एनर्जी की वजह से हो रहा है। इसी तरह से S2 से कोई एक वेव प्रोपागेट हो रही है लेकिन एक पॉइंट एक्स ऐसा है जो कि उस लाइन पे एग्जिस्ट करता है जिसमें कि S1 की एनर्जी प्रोपागेट कर रही है, यानी X पॉइंट S2 की भी एनर्जी को प्रोपागेट करेगा और S1 की भी एनर्जी को प्रोपागेट करेगा। सो इस X का रिलेटिव वर्क डन ज़्यादा होगा क्योंकि इधर से आने वाली एनर्जी इधर सप्लाई करेगा, इधर से आने वाली एनर्जी इधर सप्लाई करेगा। और मोर प्रिसाइजली वर्क टर्म यूज़ करने के बजाय हमें यह कहना चाहिए कि X पॉइंट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी फ्लो कर रही है, वो पार्टिकल एनर्जी को रख नहीं रहा है, अपने में से एनर्जी नहीं दे रहा है। सो वर्क डन बाय द पार्टिकल इन केस ऑफ वेव्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर और इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो एक्स पॉइंट पे वेव की पावर भी बढ़ेगी, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि एक्स को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है दोनों वेव्स की एनर्जी को अनडिस्टर्ब्ड फ्लो कराने के लिए। सो इन दिस सिचुएशन ये जो पॉइंट एक्स होगा, यहाँ पे जो वेव्स हैं हम ये कहेंगे वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो एक्स पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल गेट मॉडिफाइड, यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इंप्लाइज मॉडिफिकेशन इन ऑसिलेशन एट पार्टिकल ऑन विच वेव्स आर सुपरपोजिंग। सो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, जिस पॉइंट पे वेव सुपरपोज हो रही हैं वहां के ऑसिलेशंस मॉडिफाई होंगे और हम ये कह सकते हैं जो रिजल्टिंग ऑसिलेशंस होते हैं, रिजल्टिंग ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स हम बात करें, यानी जिस पॉइंट पे वेव सुपरपोज हो रही हैं वहाँ का रिजल्टिंग ऑसिलेशन हम कह सकते हैं इट विल बी y1 वन प्लस वाई टू, जहाँ पे y1 और y2 इन दोनों वेव से आने वाले इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हैं इन एब्सेंस ऑफ अदर। दिस इज द वे हाउ सुपरपोजिशन इज डिफाइंड। अगर दो से ज़्यादा वेव्स हैं तो ये फर्दर y3, y4 एंड सो ऑन एड ऑन होता जाएगा जितनी वेव्स उस पॉइंट पे सुपरपोज हो रही हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन को यूज करके और कोहेरेंट वेव्स की कंडीशंस को यूज करके कई फिनोमेना एनालाइज होते हैं। तीन मेजर फिनोमेना हमें स्टडी करने हैं जो इस वक्त मैं कवर नहीं करूंगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए मैं ये बता देता हूं, पहला फिनोमेना हम स्टडी करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, दूसरा फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे बीट्स। ये तीन फिनोमेना ऐसे हैं जिनके ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और तीनों फिनोमेना सुपरपोजिशन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो इस चेकलिस्ट को तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा, जहाँ पे हमने बात करी कि सुपरपोजिशन का मतलब है अगर एक पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा वेव्स आती हैं तो उस पॉइंट का ऑसिलेशन मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड डिस्प्लेसमेंट सारी वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होता है। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है, डिफरेंट कंडीशंस के साथ हम नेक्स्ट चेकलिस्ट में बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, एक सेपरेट चेकलिस्ट में बात करेंगे इन तीनों फिनोमेना के बारे में जिन पे लगातार कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, और फिर ये टॉपिक जो वेव्स का है वो कंप्लीट होगा। सो इस चेकलिस्ट में हमने वेव से रिलेटेड सारे बेसिक एस्पेक्ट्स और जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कवर किया है। सो यहां पे हम इस चेकलिस्ट को कवर करते हैं, नेक्स्ट में बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। विश यू ऑल द बेस्ट।